अगर लड़का है तो अच्छा लड़का बन के बाहर आना, वाह, ताकि लड़कियों को तंग ना करें। क्या बात है, बेस्ट। यस, लेकिन इनको अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं हम इस बात पे? जी जरूर दे रहे हैं, आपको मिलना चाहिए। ओके, हियर यू गो मैम। मैम आपका नाम? भावना शर्मा। ओके, एक और, एक और आप ही बता। मैम, आर यू एक्सपेक्टिंग, मतलब जर्नलिस्ट कार्ड लगाते हैं? इज एक्सपेक्टिंग अ वाउचर। ओके, यस, बच्चे का नाम है वाउचर। व्हाट्स योर नेम? वाउचर शर्मा। व्हाट्स योर नेम मैम? नाइस वन। ओके, माय सिस्टर वाज प्रेग्नेंट, सो मैंने ये सुना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्लिप्स, सोलर और लूनर एक्लिप्स, यू शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ योर ग्रहण के टाइम पर। हां, करेक्ट। अच्छा है, अच्छा, लेकिन ये जेनेरिक है, ये तो मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं भी है उसको भी बोला जाता है? हमको भी बोला जाता है, किसी को भी बोला जाता है। नहीं, सॉरी, ये बनाया आपको, सॉरी। ओके, हाँ जी, अगर पापा कहते हैं ग्रैंड तो ग्रैंड फादर बन जाएंगे अचानक ही। सॉरी फॉर दिस वन, बस यू नो हमेशा वो लेवल। ओके, वन फ्रॉम द बैक मे बी। ओके, एक हाथ बिल्कुल पीछे, बिल्कुल, हाँ वही, वो मैम आप थोड़ा, हाँ वो माइक आपकी तरफ आ रहा है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ईट समथिंग वाइट सो द बेबी विल बी वाइट। ये हो गया ना वाइट, कुछ सफेद चीज खाई अभी, ये ना हमारे यहाँ सफेद सफेद छोड़ दो। मैं ना तमिलियन हूँ और जिस जगह से हम आते हैं ना वहाँ कितना भी, वहाँ पे इडली होने के बावजूद कुछ नहीं होता है। बहुत हम ख्याल रखेंगे इस बात का। ओके, नहीं नहीं, ये पहले हो गया, ये पहले हो चुका है। ऑलराइट, ओके, वायलेंट फिल्म्स। यस मैम, एक और चाहिए। वायलेंट फिल्म्स नहीं देखते हैं? वायलेंट फिल्म्स, वायलेंट फिल्म्स और म्यूजिक और एनीथिंग, नथिंग स्ट्रॉन्ग। ये बहुत बहुत चाहिए। नहीं, ये करण की फिल्म का डायलॉग अच्छा लगता है लेकिन ये शायद सच नहीं है। ओके, वन मोर। आई हैव वन। हम लोग में ऐसा होता है कि हेयर वॉश नहीं करते टिल 7 months। You got to wash your hair, क्योंकि बेबी को सर्दी हो जाएगी और आपको हेड एंड शोल्डर्स का एक पूरा वाउचर मिलेगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, हेड लॉस मिल जाएगा। सही ना? You can wash your hair only after your baby shower. That is 7 months. For 7 months you won't wash your hair. What will happen? जुए हुए पड़ जाएंगे। No, you have to apply those chandan powders and dry shampoo, but you cannot wash your hair. तब तो dry shampoo कहाँ होता था? मैम एक सेकंड, आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा कहाँ से है? तो बहुत ही नहीं गया वैसे। Yes. Bombay. I'm a journalist. You're a journalist. मुझे विश्वास नहीं हो रहा। It's true, it's true, it's true. आप originally मुंबई से हैं? Are you originally from Mumbai? Yeah. So you have someone in your family who did not like wash the hair? I'm one. और किसी को भी ऐसा पता है कि ऐसा बोलते हैं? मैम वो कह रही है कि उन्होंने खुद नहीं धोए बाल, मतलब साथ साथ। तो बेबी शैम्पू जो उनको दे दो ना, जो किसी और को दिया था आज धोए नहीं धोए भाई, डेफिनेटली शैम्पू दे दो इनको। बहुत शैम्पू का खर्चा बताया आपने। वो किराने की दुकान वाला रो रहा है कि आप शैम्पू लेने नहीं है या 7 महीने से क्या? दिस इज वेरी नाइस, वी आर गिविंग यू शैम्पू आल्सो। आई थिंक यू शुड गिव अ द वाउचर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, सीरियसली। आई थिंक दो जो सबसे इंटरेस्टिंग हमें एडवाइस मिले हैं वो जर्नलिस्ट नहीं मिले हैं, विच इज एक्चुअली नॉट सरप्राइजिंग, राइट? Okay, wonderful. Thank you so much for all the advice. And I think ये जो advice मिली है कुछ बड़े astonishing से थे, बाल वाला, hello lady, idli wali. But thank you so much, Neena ma'am. Thank you so much once again.
विजय गांगुली ने हमने कोरियोग्राफ किया था इसके लिए और बड़ा सुंदर सॉन्ग है. हमारा अलग स्टोरी चल रहा है, मम्मी पापा का अलग स्टोरी चल रहा है, तो इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. Okay, sir. आपको पता है कि इस फिल्म के अंदर चार मेन लीड्स हैं, मैं, सानिया और गजराज राव एंड नीना गुप्ता, और ये गाना हम चारों में फिल्माया गया है. दोनों कपल्स की पैरेलल लव स्टोरी चल रही है इस गाने के अंदर, और कैसे कल्मिनेट होता है गाना वो आपको फिल्म देखकर पता चलेगा. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ब्रिलियंट सॉन्ग. यार तो तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या था? सजन किसका था, बड़े किसका था और सेंटी किसका था? तीनों, ये तीन लाइन, मतलब ये तीन वर्ड ही अमित सर का ही था. अमित सर का ही था कि आइडिया की, मतलब वो जो ब्रीफिंग था राइट गाने का. द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज दैट उफ ओफो द स्टोरी. आई थिंक अमित सर कैन से हाउ इट. थोड़ा सा माइक गाइस, थोड़ी कैन वी हैव सम साइलेंस प्लीज, थैंक यू. गाने का जो स्टार्टिंग था उफ ओफो, तो वी आर डिस्कसिंग लाइक देयर वाज एन ऑफिस में बैठ के, तो ऑफिस में बैठ के जैम कर रहे थे, तो बोला कि कुछ है उफ ओफो. मैंने कहा आगे बोलो उफ ओफो. मैंने कहा आगे बोलो उफ उफ ओफो.